क्वालिटी एजुकेशन और एकेडमिक एक्सीलेंस पे इस साल हम पूरा ध्यान देंगे और उसके साथ साथ भी हम जो भी एम्प्लॉयज प्रॉब्लम्स है उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सो यू हैव टू थिंक ऑन डिसीजन, राइट डिसीजन, टाइमली डिसीजन, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और स्पीड के साथ टारगेटेड प्लान है, तभी आप लाइफ में कामयाब हो जाओगे। मैं डायरेक्टर हूँ, वो मेरे साथ ही है, मेरे इस डिपार्टमेंट इज अ टीचर एंड आई एम डायरेक्टर। टाइमली डिसीजन मेरे कहने का मतलब, हमारा जो नारा है दैट वी विल बी कंसंट्रेटिंग ऑन एकेडमिक एक्सलेंस एंड दूसरी टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन प्लस टू रिजॉल्व द ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं या किसी की प्रमोशन है या किसी के ट्रांसफर्स है उनको रिड्रेस करना। तो क्वालिटी एजुकेशन और एकेडमिक एक्सलेंस पे इस साल हम पूरा ध्यान देंगे और उसके साथ साथ भी हम जो भी एम्प्लॉयज़ प्रॉब्लम्स हैं उनको हम रिड्रेस करने की कोशिश करेंगे। उस सिलसिले में अगर आपने देखा होगा 15 तारीख को ही हमने वो वन टाइम एग्जम्पशन के लिए गवर्नमेंट ने एक ज़बरदस्त कदम लिया कि वन टाइम एग्जम्पशन हम दे देंगे जिन्होंने ये विदाउट पीजी कोर्सेज जो विदाउट परमिशन या डिस्टेंस मोड में किए हैं अगर वो 940 को फुलफ़िल करते हैं हमको वन टाइम एग्जम्पशन दे के उनको हम प्रमोट करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कदम हुआ जो हमारे सेक्रेटरी साहब आए हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है दैट इज़ टीचर फ्रेंडली। तो उसके साथ साथ जो हमारी कुछ खामियां कहीं पे रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से उस पर हम फोकस करेंगे। अगर आपको पता होगा हमें एक कमेटी बनाई है, इनिशियल इंक्वायरी हम शुरू कर चुके हैं, तो डायरेक्टर जम्मू और मैं वी हैव गॉन फॉर द डिलीवरेशंस, तो उसमें जो भी कसूरवार होगा उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रही बात उस एग्ज़ाम को, वो 30th को लिया जा रहा है, कल ही चेयरमैन जेके बोस से मेरी शाम को बात हुई, वो जो उस दिन पोस्टपोन हुआ 12th का फिज़िकल एजुकेशन का पेपर वो अब 30th को लिया जा रहा है। पेपर्स आ गए हैं, दे हैव रीच्ड द डेस्टिनेशंस एंड उनको अब हमने बार फुटिंग बेसिस पे बोर्ड की तरफ से कदम उठाए गए हैं, जो एक पेपर सेट किया गया है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा इंशाल्लाह, तो वो 30th को लिया जाएगा।